बाबा का आशीर्वाद एसवीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें देखते हैं रोहतक हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक। अगर आप अपनी कोई भी आकृति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो बनाकर साफ सुथरी वीडियो बनाएं हमारे चैनल पर भेज दें। नंबर आप सभी को दे रखा है। अगर आपने कोई भी हमसे जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल पूछा के लिए 300 रुपये की सेवा भेजकर आप हमसे बात कर सकते हैं। नहीं तो आप रोहतक हरियाणा दरबार में भी आ सकते हैं। दरबार के नियम भी हमने बता रखे हैं, आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जानना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव में ज़रूर जुड़े। आपको फ्री में काफ़ी बातों का ज्ञान प्राप्त होगा और आपको अपनी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप सभी अपनी दीपक की आकृतियाँ भेजते हैं तो ये आकृति है, बहुत सुंदर आकृति है, नागदेव की आकृति है, पूरा छत्र बना हुआ है। ये आकृति अद्भुत होने के साथ साथ शक्तियों से भरी है। ऐसी आकृति क्यों बनती है? सबसे पहले ये आकृति सबसे श्रेष्ठ आकृतियों में इनकी गिनती की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाग सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं शिव जी भगवान की, विष्णु भगवान की। इनको पृथ्वी पर पूजनीय माना जाता है और इनका पाताल लोक भी इन्हीं का ग्रह माना जाता है। जब भी इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, इसका मतलब आपके घर में कोई ना कोई देवी देवता वास करते हैं, जिनकी सेवा करने के लिए, जिनके ऊपर ये छत्र करने के लिए, सैया बनाने के लिए आए हैं। जैसे कि कहते हैं कि वासुकी जी सदैव शिव जी की सेवा करते हैं, शेषनाग विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे ही राजा तक्षक भी सेवा करते हैं। राजा तक्षक जो नागलोक के अभी स्वामी हैं, उन्होंने भी शिव जी की सेवा करके उज्जैन में वो विराजमान है, जहाँ पर एक दिन के लिए उनकी पूजा की जाती है नाग पंचमी पर। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सैया बनाकर शिव पार्वती और गणेश जी को बिठा रखा है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसके घर में शक्ति विराजमान होगी उनकी सेवा करने के लिए साक्षात आएंगे। अगर ये आकृति बन रही है तो आपको भी शक्ति प्राप्त हो रही है, जो बहुत ही प्रबल है, क्योंकि जहाँ पर देव हैं उनके सेवक सदैव रहे हैं। सभी ये जानते हैं जब भी भगवान ने अवतार लिया है उनके साथ उनके सेवक सदैव आते हैं। आपने हर उस फेमस मंदिर को देखा होगा जहाँ पर भी शिव जी हैं, वहाँ नंदी है, वासुकी है, शिव परिवार है। तो आप ये सभी चीज़ें देखते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, हर स्थान पर पूरा अलौकिक प्रभाव रहता है। ऐसे ही जब दीपक पर इस तरह के अलौकिक प्रभाव प्राप्त होते हैं तो क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? यहाँ पर हमें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति खुलने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं, जिसके भी दीपक पर इस तरह की सांप की आकृति बनती है, क्योंकि हमारे शरीर में भी सर्पणी रहती है जो उठती है तो हमारे को अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी पर आपको कुछ चलता हुआ महसूस होता है, आपको लगता है कि जैसे कुछ मुझे मेरे अंदर से कुछ अलग सा प्रभाव हो रहा है। कई लोगों को तो अपने पास भी सांप बैठे हुए दिखाई देते हैं, उनकी फुकार की आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें उनकी आंखें दिखाई देती हैं। ये सभी मैं रियल के अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि ये अनुभव हम सभी दरबार में देखते भी हैं। ऐसा मैं एक भी अनुभव नहीं बताती जो शायद मैंने ना सुना हो ना देखा हो। तो ये सारे अनुभव रियल होते हैं कि व्यक्ति को अपने आप बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। आपको मंदिर दिखते हैं ध्यान में, और कईयों को नींद में भी दिखते हैं, उनको सपने में दिखाते हैं, उन्हें दिखाई देता है बार बार, पहाड़ दिखाई देता है, बैल दिखाई देता है, गाय दिखाई देता है, नंदी महाराज के सूर्य से दर्शन होते हैं। ये सब दर्शन आप एक अलौकिक यात्रा पर लेकर जाते हैं, के चक्र जागृत होने हो जाते हैं, आपका जल तत्व तो बहुत मन हो जाता है, क्योंकि इससे पहले अगर किसी को पूर्ण शक्तियाँ आपकी तो जल प्रधान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में की मात्रा से ज़्यादा होती है, अंतर चलता है, चालीसाओं का प्रभाव
हमारे शरीर में चलता है, शक्तियों का प्रभाव हमारे शक्ति में चलता है, हमारे शरीर में चलता है, तो उस जल के माध्यम से चलता है जिसकी वजह से हमारा मंत्र सिद्ध होता है। इसलिए जब भी कोई भी ये कहता है जी मैं बहुत सारे मंत्र जाप कर रहा हूँ, जल्दी से शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसमें उसे व्यक्ति को जल में खड़े होकर या बैठकर जाप करना चाहिए। चाहे वो अपने घर में कोई टब बड़ा सा लाए और उसमें जल डाले और उसमें भी बैठकर कर सकता है, किसी नदी में कर सकता है, किसी तालाब में कर सकता है, उससे उसकी शक्तियाँ जल्दी जागृत होंगी। ये सभी आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे महात्मा यही प्रयोग करती हैं, पर हम ग्रस्त व्यक्ति इनको आसान रूप से भी कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम।